भाजपा एमएलसी टुन्ना जी पांडे की लालू यादव से मुलाकात के बाद सिवान की राजनीति में भूचाल आ गया है। राजद के बड़े नेता रविंद्र यादव उर्फ गब्बर यादव ने इसको लेकर टुन्ना पांडे पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा कि टुन्ना पांडे जैसे नेता की दाल राजद में गलने वाली नहीं है। चले जा रहे हैं लालू जी के पास मिलने, यहाँ उनका दाल गलने वाला नहीं। देखिए, आज जो देश में बीजेपी का चेहरा उजागर हो रहा है, उसे देश की जनता बीजेपी की मानसिकता को समझ पा रही है कि ये जो लोग हैं किस तरह से भोली भाली जनता को ठग करके सत्ता में आना चाहते हैं। तनाशाही का परिचय देते हुए हरियाणा और महाराष्ट्र में सरकार जबरदस्ती बना लिए हैं, जैसे विपक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, वहाँ उन लोगों को न्याय मिलेगा। क्या लगता है कि भाजपा अपने रसूख का फायदा उठा रही है और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके साथ खिलवाड़ कर रही है? बिल्कुल, लोकतंत्र की हत्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी। जनता माइंडेड देती है यूपीए को, लेकिन ये खरीद फरोख कर करके और सरकार बनाना चाहती है। हरियाणा में वैसे ही की चौताला को लेकर के, और महाराष्ट्र में वही ड्रामा शुरू है। 7 बजे सुबह में, 4 बजे भोर में भारतीय जनता पार्टी शपथ दिला देती है मुख्यमंत्री का। क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा विपक्ष? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा विपक्ष को और वहाँ सरकार जो है कि बर्खास्त होगी। सिवान की राजनीति की बात करें तो जो यहाँ के बीजेपी के एमएलसी हैं टुन्ना जी पांडे, उन्होंने राजद के सुप्रीमो लालू यादव से मुलाकात की है, क्या राजनीतिक संकेत हैं इसके? देखिए, टुन्ना पांडे जो हैं इनका कोई सिवान में तो जनाधार है नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी से एमएलसी बने हुए हैं और उनका ये मानसिकता है, ये सोच है कि वो अपने भाई को आरजेडी ज्वाइन कराना चाहते हैं और बढ़हड़िया विधानसभा जो है 110 बढ़हड़िया, वो पिछड़ा जाति का विधानसभा है, वहाँ पिछड़ा और अति पिछड़ा का काफ़ी वोट है। वो सिवान जिला में दलित पिछड़ा अति पिछड़ा विधानसभा बहुल गिना जाता है, वहाँ वो चाहते हैं कि अपने भाई को आरजेडी से टिकट दिला करके और बढ़िया को जनता को ठगना चाहते हैं। लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा है, क्योंकि पिछले बार इन्होंने लोजपा से सिंबल लेकर के अपने भाई का आया था और यहाँ चुनाव लड़े, बुरी तरह से हार हुई। और यहाँ मैं आरजेडी के सुप्रीमो अपने नेता से भी विशेष करके आग्रह निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों को पार्टी में नहीं लिया जाए, क्योंकि इनका कोई अस्तित्व सिवान में नहीं है और ये कब क्या बोलते हैं वो खुद ही समझ नहीं पाते हैं, कभी कुछ भी बोल देते हैं, तो इसलिए इनका कोई वजूद है नहीं। ऐसे लोगों को पार्टी में आने से कोई राष्ट्रीय जनता दल को फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ जो है राष्ट्रीय जनता दल के बहुत मजबूत नेता और सिवान के लोकप्रिय पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का जिला है। अभी चुनाव हुआ था पार्लियामेंट का, उनका पत्नी तेज तरार पढ़ी लिखी नौजवान महिला चुनाव लड़ी थी, तो यही टुन्ना पांडे जी अजय सिंह के गाड़ी में घूम करके और पाकिस्तान भेजने की लोगों की बात करते थे, यहाँ के अल्पसंख्यक समाज को पाकिस्तान भेजने की बात करते थे। और जैसे चुनाव बीत गया, अब चले जा रहे हैं लालू जी के पास मिलने, यहाँ उनका दाल गलने वाला नहीं है। क्या लगता है टुन्ना जी पांडे की कोई नीति नहीं है, वो कभी इधर कभी उधर? टुन्ना जी पांडे को यहाँ लोग बलात्कारी के रूप में देखते हैं और उनके एक मित्र हैं, उनको सिवान की जनता अब बंडमरू समझ रही है। यहाँ के वो पूर्व सांसद हैं माननीय श्री ओम प्रकाश यादव जी, उनका भी कोई यहाँ जनाधार कोई अस्तित्व नहीं है। मीडिया में ऐसी खबरें आ रही है कि उनके बेटे को राजद से टिकट मिलेगा अगले विधानसभा चुनाव में। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि 10 साल यहाँ एमपी रहे और किसी को उन्होंने ऐसा नहीं कुछ किया कि जिनसे इनका कोई एक भी आदमी इनके समर्थन में हो, सभी लोग इनके विरोध में हैं। 10 साल एमपी रहे हैं, उसी के कारण जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने इनका टिकट काट दिया। तो मुझे नहीं लगता है कि आरजेडी इनको क्यों एक्सेप्ट करेगा। आरजेडी के पास तो एक से एक युवा क्रांतिकारी नेता लोग बैठे हुए हैं और पूरे बिहार की जनता
को मूड मिजाज टूना पांडे भाप लिए हैं कि अब जो है कि बिहार के किसान, नौजवान, मजदूर, महिलाएं, ये सारे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सोच और चाल चरित्र को पढ़ चुकी है, इसलिए वो लोग अब विश्वास बिहार के क्रांतिकारी नेता माननीय श्री हमारे नेता तेजस्वी यादव जी के ऊपर विश्वास कर रही है और वो चाह रही है बिहार की जनता कि यहाँ के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी बने, उनके नेतृत्व में बिहार विकास करेगा। ये जो ड्रामा चल रहा है, कहीं भी पीला वस्त्र लेकर के कोई खड़ा हो जा रहा है और अनाप शनाप हिंदू मुस्लिम हर गांव में जो एक द्वेष की भावना फैलाई जा रही है, इस भावना से बिहार की जनता अब अवगत हो चुकी है। चुनाव काफ़ी नज़दीक है, ऐसे में सिवान में किस तरीके की राजनीतिक समीकरण आरजेडी बना रही है? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का पहले अपसंगठन का चुनाव चल रहा है और सदस्यता अभियान चल रहा था, उसमें हम लोग भी लगे हैं और यहाँ सभी जाति धर्म के लोगों को, विशेषकर पिछड़ा, अति पिछड़ा, बैकवर्ड ओबीसी और अपर क्लास में से भी जो एक्टिव लोग, ईमानदार लोग हैं, उनको पार्टी बना रही है, पदाधिकारी बनाएगी और यहाँ विश्वास करेगी उन पे और वह उन्हीं लोगों के बदौलत जो हमारे यहाँ के लोकप्रिय नेत्री हेना साहब हैं, हमारे गार्जियन माननीय श्री अवध बिहारी चौधरी जी हैं, उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल हर चुनाव को सामना करने के लिए तैयार है। अब यहाँ ये जो बंडमरू लोग हैं, पॉलिटिकल चीटर, जैसे टूना पांडे जी हैं जी, सिवान में उनका क्या नाम है सब लोग जानता है, कौन सा केस में वो फंसे थे, बलात्कारी बाबा के नाम से वो जाने जाते हैं और उन्होंने तो कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि बीजेपी अब उनको एमएलसी बनाने नहीं जा रही है तो टिकट इधर उधर एमएलसी का खरीदने आरजेडी ऐसा भी एमएलसी बनना चाहते हो? ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आरजेडी के कोटा से वो एमएलसी या एमएलए नहीं बन पाएंगे। जो हमारे यहाँ के नेता हैं ईमानदार, वो ईमानदारी से संघर्ष करते हैं, एक धारा को अपना करके चलते हैं, जिनका नाम है सिवान के लोकप्रिय पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन हैं या उनकी पत्नी हेना साहब हैं या अवध बिहारी चौधरी हैं, वैसे वैसे यहाँ लोग जो यहाँ हैं, तो इसमें इन सब पॉलिटिकल चीटर लोगों का नहीं चलेगा। 2020 में रविंद्र उर्फ गब्बर यादव किस भूमिका में नजर आएंगे? देखिए, हम अपने पार्टी के लिए यहाँ काम कर रहे हैं और बढ़िया विधानसभा में 95,000 वोट यादव और मुस्लिम समाज के लोगों का है, यानी एमवाई का है, उसके बाद पिछड़ा, अति पिछड़ा, उसके बाद अपना व्यक्तित्व, हम लोग इस वोट को देख रहे हैं कि ये वोट जिसको चाहेगा एमएलए बनाएगा और इस बार बढ़िया में आरजेडी का ही एमएलए होगा, इसलिए हम लोग भी तैयारी में हैं, जिसको पार्टी उम्मीदवार बनाती है टूना पांडे जी को, भाई को छोड़ करके टूना पांडे जी को छोड़ करके, इसलिए कि कुछ ही दिन पहले ये यादव समाज के लोगों को बहुत बुरी तरह बयान दे देकर अशब्द बोलते थे, गाली समझ लिए कि देते थे, आज इनकी औकात और अस्तित्व जब पता चल गया तो ये यादों के ही दल में आना चाहते हैं, ये इससे साबित होता है कि ये किसी का नहीं है, ये पॉलिटिकल चीटर है। और एक हमारे बड़े भाई मित्र भी हैं, वो कभी पते नहीं चल पाता है कि कब किसके साथ हैं, माननीय श्री ओम प्रकाश यादव जी, वो कभी कभी बयान देते हैं कि लालू जी जैसा किए थे उसका कर्मों का, अपने कर्मों का सजा भोग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए अपने बेटा को टिकट मांगने की भेज देते हैं आरजेडी में, ये सब ड्रामा टूना पांडे और ओम प्रकाश जी का शिवान की सम्मानित जनता समझ चुकी है, ये सब यहाँ चलने वाला नहीं है, क्योंकि ओम प्रकाश यादव के आप भी बेहद करीबी माने जाते थे, ऐसे में क्या हुआ कि आप उनसे इतने दूर हुए? देखिए, हम एक धारा की लड़ाई लड़ते हैं, ओम प्रकाश जी के पास कोई वसूल नहीं है, कोई उनके पास धारा नहीं है, वो कब किसका विरोध करेंगे और कब उसके जाके पैर पर गिर जाएंगे, ये मतलब ये मेरा वसूल नहीं है, मैं कृष्ण का वंशज हूँ, अन्याय अत्याचार के विरोध लड़ना मेरा परंपरा धर्म रहा है, कर्म रहा है, मैं उस रूटिंग पे चलता हूँ, उस रास्ते पे चलता हूँ, हम लोग किसी से डरते नहीं हैं, लेकिन ओम प्रकाश जी का क्या है, वो तो
नेता बनने के लिए कब किसके दरवाजे पर चले जाएंगे, कब किसका जाके पैर छू लेंगे, पैर पकड़ लेंगे, ये यादव समाज का कल्चर नहीं है और नहीं ये संस्कार है। चुनाव हारने के बाद अजय सिंह का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि एनडीए की हार नहीं हुई है, वो दोनों प्रत्याशी एनडीए के थे और हार यहाँ यूपीए की हुई है। देखिए उपचुनाव में तेजस्वी जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल 4 सीट पर लड़ रहा था, 2 सीट हम लोग कन्फर्म जीते, 1 सीट को रजिया खातून जी का जो सीट था उसको सरकार द्वारा हराया गया। धरौंदा में भी हम लोग बहुत अच्छी तरह से लड़ाई देते लेकिन कुछ पॉलिटिकल चीटर के कारण गड़बड़ा गया स्थिति। और ई लोगों का वहाँ जो ब्यास सिंह चुनाव जीते हैं, सभी लोग जानते हैं कि ब्यास सिंह सक्षम आदमी हैं, पैसे वाले आदमी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और टोटल लोग उनके साथ लग गए ईमानदारी के साथ, भारतीय जनता पार्टी की एक एक कार्यकर्ता, और उन्होंने अपना पैसा खर्च किया और उनका परिचय पहले ही से क्षेत्र में है तो वहाँ वो चुनाव जीत गए। इसमें कहीं टूना पांडे और ओम प्रकाश यादव का सिरे मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये लोगों इन लोगों को सिवान की जनता पहचान चुकी है कि ये लोग पॉलिटिकल चीटर है, अभी कुछ बोलेगा अब बाद में कुछ बोलेगा। हम लोग उस वसूल के आदमी नहीं हैं, हम राष्ट्रीय जनता दल के एक एक कार्यकर्ता यदि टूना पांडे को पार्टी में लाया जाता है अब बढ़िया से उनको या कहीं जिला में उनको टिकट दिया जाता है तो हम लोग एक सुर से विरोध करेंगे। उसके लिए हम लोग सड़क से लेकर पटना हर जगह तक जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे, उनके विरोध उनके चरित्र को उजागर करेंगे कि ये बलात्कारी हैं। ऐसे आदमी को जो किसी दल का नहीं है, दल में ही रहकर अपने बड़े नेताओं को गाली देता है, वैसे व्यक्ति को पार्टी में लाने से कोई फायदा नहीं है। मीडिया में वो कह रहे हैं कि उन्होंने बस हाल जानने के लिए लालू यादव से मुलाकात की है। देखिए वो हाल जानने के लिए तो ये तो राजनीति का एक बहाना होता है और उन्होंने तो राबड़ी जी के आवास पर भी गया था, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल यहाँ सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हेना साहब को इग्नोर करके चलेगी और बिहारी चौधरी को इग्नोर करके चलने वाली अब राष्ट्रीय जनता दल है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। आई लोगों का यदि चलेगा तो टूना जी के पार्टी में एंट्री नहीं होगा, क्योंकि ये लोग राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं के साथ हैं, उनकी भावनाओं के साथ हैं। टूना पांडे जी किस लिए इसमें आएंगे? बढ़िया विधानसभा में तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ वोट जो है पिछड़ा दलित बैकवर्ड का वोट है, ये बैकवर्ड बहुल विधानसभा है, वो आएंगे वोट लेने एम और वाई का, चूंकि ये दोनों वोट मिल करके 95,000 वोट है, इसलिए वो ठगने आएंगे, लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा है, मुझे विश्वास है। कहीं ना कहीं उनका बीजेपी से पत्ता साफ हो गया लग रहा है। बिल्कुल, बीजेपी से क्या, पूरे सिवान की जनता के नजर में उनका पत्ता साफ है और उनके जो मित्र बने हुए हैं माननीय श्री ओम प्रकाश यादव जी, उनकी भी कहानी खत्म है। सारे लोग पहचान चुके हैं कि ये लोग रंगा बिल्ला है, रंगा बिल्ला की जोड़ी है, कब क्या करेगा ये लोग, कहाँ जाएगा, जनता इन पे विश्वास करने नहीं है जा रही है। और अब पूरे बिहार में बिहार की जनमानस तेजस्वी के नेतृत्व में उभर चुका है और 2020 के चुनाव में बहुत बड़ा एक चेहरा उभर करके बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी जी और एक इतिहास बनेगा बिहार में, विकास भी होगा।